क्या चल रहा है यार भाई। तो हाय गाइस, हाउ आर यू? आपको स्वागत है मेरे चैनल गेमो में। तो मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ हमेशा की तरह, तो एज वेल मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। ये दरवाज़ा फिर से तोड़ डाला यार। तो मैं लेट हूँ, मैं पता है वीडियो बनाने में लेट हूँ, पर गेम खेलने में नहीं, कि गेम ने मैंने ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। या तुम लोग मेरे घर के अंदर कैसे घुसे पहले वो बताओ। और बहुत से लोग पूछ रहे होंगे ये डायमंड का क्या है वगैरह वगैरह। तो ओके, तो अभी मैं सबके जवाब बताता हूँ कैसे आए। सबसे पहले मैं सो जाता हूँ। तो जब मैंने वीडियो नहीं अपलोड की थी तब मैं गेम खेल रहा था, जाने दो। तो ना उस वक्त मैंने कुछ डायमंड ले लिए, बहुत सारी प्रोसेस यानी प्रोग्रेस कर लिया है। और हाँ, मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हाँ। तो इजीली मैंने सारे बुक्स बना डाले शुगर कैन, और वहाँ पे उनकी ग्रेडिंग कराने से अब कॉस। तो ये बन चुका है मैक्स 30। ओके 40। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? और वहाँ का एक्सपी फॉर्म तो आपको पता है बहुत तगड़ी एक्सपी देता है, और हर दिन दो दो तीन तीन घंटे फार्मिंग करने से आपको पता ही चल गया होगा। और ना नहीं जो भाग भाग मार मार मारो ना मार बार बार पचा। तो मैंने इन सबको एंचेंट कर दिया। और ये लिटरली स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि सपना है, पर यह सच में ये झूठ नहीं है। आपको पता ही है अनब्रेकिंग 3 के साथ ये सब कुछ आता ही है और कुछ नहीं। और बाद में मैंने आर्मर एंचेंट कर लिया, और माइनिंग के अंदर से मैंने 26 ले लिए। और एक छोटा अपडेट है जो है कि मैंने इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी माइन बना ली, तो के 5 चिकन मिले। ओके, ये वैसे मुझे क्वेश्चन है, ट्यूटोरियल में मैं तो बताया था कि हर घंटे 100-200 लाख। एक बार इसको भी मैं इससे जोड़ दूंगा ताकि जितने भी अंडे होंगे आधे अंडे अरे फार्म के अंदर जाए, आधे अंडे इसके अंदर जाए। इजी मैकेनिक्स होंगे वो। तो अभी नीचे माइनिंग के लिए जाना है, और उससे पहले आर्मर बना लेते हैं थोड़ा सा। तो चलते हैं, चल हमेशा की तरह यही दरवाज़ा टूटा हुआ है, और क्राफ्ट करता है जल्दी से। तो मुझे किए एक की और एक किए चाहिए। ये पूरा आर्मर आ गया, तगड़ा भाई तगड़ा। और एक बात, मैं इतना प्रिपेयर इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि भाई केव एंड क्लिप्स अपडेट आ रहा है, और केव मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, आप सबको ही पता है यार, मैं किसको बता रहा हूँ फिर। तो मैं ये डाल देता हूँ, और ब्लास्ट प्रोटेक्शन 3 ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 कुछ नहीं आया, ये जाने दो। इसके ऊपर क्या है? ब्लास्ट प्रोटेक्शन, और इसके ऊपर केम। ओ भाई थ्रोन्स 2 लग के आ गया भाई तगड़ा यार, इतना तगड़ा। तो मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ, और हाँ यार मैंने कुछ बुक्स भी बनाए थे, वो भी मैं एंचेंट कर ही लेता हूँ माइनिंग के लिए। इधर है क्या? नहीं इधर है, मिल गया मिल गया। तो अब मैं जल्दी से ऊपर चलता हूँ, और क्या कहते हैं यार ये कर डालता हूँ इनको एंचेंट, पर सिर्फ एक्सपी ना ख़त्म हो जाए। मेन डर तो उसका ये थ्रोन्स 2 प्रोटेक्शन, थ्रोन्स 2 ले लेते हैं। फेद ओ बेटे तगड़े तगड़े मिले, ये ले लेता हूँ। मुझे पता है अच्छे अच्छे डील नहीं कर रहा, जाने दो यार। ये तगड़े तगड़े क्यों दे रहे हैं? शांति से कि ये ना मिले, ये ले लो फायर प्रोटेक्शन, बैन ऑफ एंथ्रोपॉइड, शार्पनेस 2 भाई तगड़े तगड़े मिल रहे हैं। लूटिंग 1 नहीं, रेस्पिरेशन 1 ले लेते हैं, वो अच्छी खासी है इसलिए। एक्वा इन्फिनिटी और फेदर फॉलिंग 2 ये ले लेता हूँ, और भाई एक्वा इन्फिनिटी और एक बार मिल जाए काम बन जाएगा।
लक ऑफ द सी 3। सच में ओके बाद में मैं करता हूँ ये लक ऑफ द सी का कुछ। यहाँ पर लक ऑफ द सी 3 तगड़ा यार, यानी कैसे बताऊँ अब मैं है? इतना तगड़ा मैंने कुछ मैंने खुद ही आज तक इतना नहीं देखा, जाने दो इग्नोर। तो अब हम मेन काम माइनिंग के लिए चलते हैं। इसके अंदर से निकाल के मैंने इसके अंदर डाल दिया और ये देखना क्या हो गया। अच्छा रॉन्ग जगह पे रख दिया। अब ये हीरो ब्राइन की गुफा नहीं है जो 2x2 की होती है, मैंने बनाई हुई गुफा है। तो यहाँ पे मुझे आयरन मिला है तो आयरन माइन का डालता हूँ, कुछ नहीं जाता। तगड़े तगड़े यार फॉर्च्यून 3 लगाए तो ऊपर चलता हूँ। अब मैं आ भी गया नीचे। यहाँ पे टॉर्चेस पे गेम ग्लिच हो गई क्या? अच्छा नीचे जाना है। मैं भी ना यार, अबे नीचे चलना है। अबे क्या हो रहा है ये? आ गया, कौन सी गुफा है भाई? One eternity later. अबे हाँ ये तो कुछ और ही है। तो हाँ मैं यहाँ पे आके रुक गया था। तो अब माइनिंग चालू करते, कितने लेवल पे? 12। ओके तो करते हैं चालू। और कुछ नहीं, मैंने इतना ही प्रोग्रेस किया और इतना मैं ज़्यादा कर भी नहीं सकता, कैपेसिटी नहीं है उतनी। ओके तो गिर ना जाए, ये ऐसे कौन रखता है? क्या चल रहा है यार? डायमंड, ओ भाई डायमंड मिल गया। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 है और 8 से कितने मिले? 2 गुना मिल गए यार, ऐसा कभी देखा है? ओ और एक है, एक लास्ट है। ओके तो इतना ही है और आगे माइन करें क्या? हो सकता है मिल भी जाए। तो माइन करना चालू करते हैं। डायमंड आया क्या मेरे पास? पता नहीं यार डायमंड आया नहीं, वीडियो को रिप्ले करके देख लूँगा। और एक बात गाइस, एडवेंचर करने के लिए यानी आइलैंड्स पे जाने के लिए, तो अभी की इस वीडियो में मैं यानी इस वीडियो में कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है, पर एक ही टॉपिक है कि मैं ना प्रिपरेशन करने वाला हूँ वहाँ पे जाने की, क्योंकि यार जितना हार्ड होगा ना वो बहुत हार्ड होगा। मैं लाइफ में लिटरली पहली बार ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे ओके 7 गोल्ड के। तो और कुछ है क्या? नहीं, इसके अंदर इतने गोल्ड है मेरे पास भाई, मुझे खुद ही नहीं पता था यार इतना गोल्ड है मेरे पास, इतना अमीर हूँ मैं। तो जाने दो, तो मैं अभी जल्दी जल्दी चलता हूँ। यहाँ पे भी, यहाँ पे है या नहीं? यहाँ पे नहीं है। ओके और हाँ यार मुझे तो आयरन कलेक्ट करना था ना, मैं भूल ही गया। अरे मुझे ना ये क्या कहते हैं, एनविल बनाना था। बीच में ही मुझे ऐसे ख्याल आने लगी कि गोल्डन एप्पल बनाना, इसलिए मैं गोल्ड ढूंढने लगा यार, जाने दो। तो वो बेटे और था, यहाँ पे भी नहीं है के इधर है। और
इसके अंदर भी नहीं है यार, हैं? और इसके अंदर तो है ही नहीं। तो स्मेल्टिंग के लिए मैं लगा देता हूँ कोल, इधर ही मैंने कहीं पे देखे तो ये रहे कोल। और मुझे कितने लगेंगे टोटल, तो 3 9 3 21, ओके टोटल 25 लगेंगे भाई, बहुत खतरनाक है। जल्दी जल्दी मेल्ट हो जा स्मेल्ट यानी, ताकि मैं ये बना सकूँ क्या कहते हैं एनविल मेरे लिए। और हाँ, तब तब ये बन रहा है, तब तब मैं थोड़ी एक्सपी कलेक्ट करके आता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे पूरा आर्मर रेडी करना है, ये जितनी भी बुक्स मैंने बनाई हैं तो। ओके ओके गाइस, तो ऊपर आ गया हूँ मैं, 20 XP मिली यार, बोलो ऐसा कहाँ पे होता है। तो 20 XP है, और देखते हैं कुछ इंतज़ाम हुआ या नहीं नीचे। ओके हो गया ना, बस भाई हो गया। अब एनविल बनाते हैं, उससे पहले इसके 1 2 3 ब्लॉक्स आएंगे, एक कम पड़ेगा सच में, एक कम पड़ गया। तो गाइस एनविल आ चुका है क्या? अच्छा, ओ हो भाई क्या हो रहा है, एक सेकंड, ये क्या है? प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन लॉक ऑफ द C3 इंपेलिंग फायर, दूर रखो इसको। शार्पनेस प्लस, ये क्या हो रहा है? लूटिंग 1 की बुक है, ये सारे डबल डबल है, स्टार्टिंग में तो नहीं थे ना मुझे लगता है, जा तक थ्रॉन्स 2 है और फेदर फॉलिंग ऑफ पावर 2, फेदर फॉलिंग तो है ना, तो मैं इसको वो पे लगा दूंगा। और एस्पिरेशन लूटिंग 1 फेदर फॉलिंग थ्रॉन्स, तो मैं इनके ऊपर ही लगा डालता हूँ। तो यही दो चीज़ है जिनके ऊपर मुझे लगाना है, और यह वीडियो बहुत लंबी हो रही है। दो कॉस्ट, सिर्फ 2 कॉस्ट भाई, नहीं इसके ऊपर नहीं लगाना, मैं ये चेस्ट प्लेट के ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि पूछो मत, क्योंकि चेस्ट प्लेट पे ज़्यादा डैमेज आता है इसलिए, और कुछ ऐसी वजह नहीं है। तो मैं इसके ऊपर शार्पनेस लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, मुझे पता ही था। वैन ऑफ एंथ्रोपॉइड नहीं, इम्पेलिंग, ये इम्पेलिंग 5, ओके। तो अभी मुझे एक वो चाहिए अच्छा खासा जो होगा, वो तो टूटा हुआ था। और हाँ भाई, ऊपर एक एंचेंटेड वाला था ना, वो ले लेता हूँ मैं, और उसको बाद में रिपेयर कर डालूँगा ऑफलाइन। इधर ही मैंने पड़ा हुआ था, इधर ही पड़ा हुआ था आयरन, ओ भाई पावर टू है। और इसके ऊपर क्या है? पावर 2 भाई, पावर 3 आ गया। और सारे तगड़े यार, मैं इसको ट्राइडेंट पे ही लगाऊंगा, इसलिए इन तीनों को सेफली रख देता हूँ। ये किसका? अच्छा ये इसका है, ओके। और ये एक ले लेता हूँ, और मुझे स्ट्रिंग्स चाहिए ना, स्ट्रिंग्स नहीं है क्या? स्ट्रिंग्स है। तो अब मैं जल्दी से इनको भी पेन डालता हूँ, और इसको मैं तोड़ने लगता हूँ, क्योंकि अभी के अभी मुझे एक बो बनाना है अच्छा खासा सा। बन जा यार, एक स्लाइम ब्लॉक है वहां पे, सच में तगड़ा सा। ये भी आ गया है बो हमारे पास। और ये मुझे के एक्स बनानी थी, तो तोड़ के ही बना लूंगा। तू जा भाई जल्दी से, टाइम नहीं है अपने पास ज्यादा। और हाँ, नई नई रूम्स भी बनाएंगे कभी कभी, तो ये कभी कभी बनाते बनाएंगे। तो ये आ गया, और इनको मैं जल्दी से
नहीं कर सकता ना। एंचेंट ठीक है यार, तो अभी मैं इन सारे चीज़ों को रख देता हूँ क्योंकि यार काम क्या है। ओ भाई अभी इतने ज़्यादा डायमंड्स बचे यार। ओपी भाई ओपी, दो ये भी बाद में लूँगा। और क्या है, और कुछ भी नहीं है। ये डाल डाल नहीं, ये डालता हूँ मैं इसके अंदर, इधर ये, इधर ये और ये। ओके एक सेकेंड एक सेकेंड। उबे इसके ऊपर तो इन्फिनिटी चाहिए ना। देखूंगा मैं कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन जुगाड़। तो कितनी देरी की हो गई है, 30 मिनट से। ओके तो भाई, ओबे मेरे घर के अंदर घुसेगा बे, कौन है यार तू, कौन है जो मेरे घर के अंदर घुसेगा। इंचेंटिंग है नहीं, एरो मिले ना दुनिया भर के सिर। तगड़ा भाई तगड़ा। ये क्या यार, ये कोई ग्लिच है क्या? बड़ा वाला मैप आराम से। व्हाट, और ये और बड़ा। ओके यार, पर वो एक पहले वाला तो बहुत जल्दी खुल गया। ये हुआ अब खुल गया। अच्छा ये होता है ना, ये हमारे रेंडरिंग डिस्टेंस के ऊपर होता है ना। अच्छा पता चल गया। तो गाइस आज का एडवेंचर यहीं पे ही खत्म करते हैं। क्या आपको इसके अगला पार्ट देखना, तो अभी कभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि अगला पार्ट देखना है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आनी चाहिए, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दो। तो मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय बाय।